वो हमारा नॉर्मल कुआं नहीं है, वो हमारा चार युगों से कुआं माना जाता है। उसका भी उल्लेख हमारा 10वें स्कंद में दिया गया है श्रीमद् भागवत जी के में। जब हमारा प्रथम युग था सतयुग और प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का जो मछली का जो अवतार था मत्स्य अवतार। जब हमारा कोई युग समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी एक दिन के लिए शयन करते हैं और उनका एक दिन एक युग के बराबर होता है। और एक युग हमारा 4,832 वर्ष का होता है। तब उन्होंने ये हमारा जो एक मन्वंतर होता है वो होता है हमारा 4,832 वर्ष का, जिसमें 71 युग माने जाते हैं। तो हमारा जो सतयुग था वो 17,28,000 वर्ष का था। तब उन्होंने शयन किया था तो उनके नाक से हैग्रीव डेथ उत्पन्न हुआ था, जिसने चारों वेदों को चुरा लिया था और समुद्र में जाके छिप गया था। उसी कारण बस भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिनका बाद में नाम मनु पड़ा था, वो काफ़ी घोर तपस्या कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के दिव्य रूप का दर्शन हो। तो वो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो उनके हाथ में मछली आ गई और मछली कहने लगी, राजन मेरी रक्षा करो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जाएंगी। तो राजा ने अभिमानवश कहा कि देवी आप चिंता ना करें, हमारे घर में इतने बड़े पात्र हैं, अपने संदेह अच्छे से रह सकती हैं। तो उनके सारे पात्र छोटे पड़ गए थे तो कुछ क्षण के लिए स्कूप में रखा, इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। ऐसे तो लीला बहुत लंबी है। फिर हमारा त्रेता युग आया, यही कुआ यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में ये कुआ छिप गया था तो कान्हा ने एक लीला रचित की थी, कंस का भेजा हुआ दूत वक्षासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था और कान्हा जी की गायों को उलट पलट कर रहा था। तो सखाएं बोले, देखना कान्हा, ये हमारा बछड़ा तो है नहीं और हमारी गायों को उलट पलट कर रहा है। कान्हा ने देखा ये तो एक राक्षस है, उसकी पूंछ पकड़ी और एक पछाड़ दी और उसका उद्धार हो गया। अब तो बाल बाल बोल के, कान्हा अब तो तू हमते दूर रहो, अलग रहियो, अब तो ना तो तू हमारे संग खाबेगो ना खेलेगो। कान्हा बोला, चू मैंने क्या कर दो। तो सखा बोले, देख तैने गौ हत्या करी है। कान्हा बोला, मैंने कौन सी गौ हत्या की, मैंने तो एक राक्षस का वध किया है। तो सखा बोले, देख बेशक वो राक्षस हो लेकिन बेस में तो गौ के में हो ना, जा मारे तो गौ हत्या को श्राप लगाओ। तो कान्हा बोले को जाके शुद्धिकरण करने का, आज वो कहाँ करना होगा। तो सभी ग्वाल ग्वाल बोले कि तुझे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबके पास जाके आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, तभी तू पवित्र और शुद्ध हो सकता है, वरना तू एक गौ हत्यारा है। कान्हा सोचने लगा कि ऐसे ही मैं ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल गया तो मेरे तो कितने अवतार बदल जाएंगे। फिर यही कुआ स्वयं बंसी से उजागर किया, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया, सबने अपना जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। अब कान्हा बोला, तो भैया तुम मुझे दूर रहो। एक बार बोले, जो भैया तो तू पवित्र रहेगा तो तू हमारे संग खेल सकते हो। तो कान्हा बोलो, देखो भैया मैंने सुना है कि मारवे वाले तो ज़्यादा दोषी देखने वालों है भाई, तुम लोग तो खड़े आके देख रहे, बचाओ चुनाओ। तो सखा बोले कि भैया अब हमें क्या करना होगा, कि जा मैंने स्नान करो बामे तुम स्नान करो। तो सभी सखाओं ने स्नान किया, वो भी पवित्र शुद्ध हुए हैं। फिर यहाँ से एक मान्यता दी जाती है कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं या जिन पर सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार को जो अमावस्या होती है उसको सौमति अमावस्या बोलते हैं, उस दिन आती हैं और कुंडियों में स्नान करके स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन कुएं का पानी दूध में चेंज होता है। आज भी होता है, मैंने वीडियो भी क्लिक किया हुआ है, क्योंकि अभी 17 जुलाई की सौमति अमावस्या थी, एकदम वाइट हो गया था, प्रत्यक्ष में आप दर्शन कर सकते हो वीडियो के माध्यम से जी। तो क्योंकि हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो खीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है, उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी दूधियापन में चेंज होता है। हरिबो, ये की थी। इधर आपने दाऊ भैया का दर्शन किया होगा, उन्होंने एक जो सारे दैत्यों का उद्धार तो कान्हा ने किया था, लेकिन जो प्रलम्बासुर दैत्य था वो प्रहलाद जी के वंशज का था। जब हमारे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो प्रहलाद जी से वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। उसी कारण बस दाऊ भैया ने उनका उद्धार किया। तो यहाँ पे शेष अवतार दाऊ भैया है सांवले रंग में। ये भांडीर वन पूरा मूज वन था, दावन अग्नि का पान कान्हा जी ने भांडीर वन में किया है। इधर जो दुर्वासा मुनि थे जो केवल धूप घास का पान करते थे, ब्रज की गोपियों ने इसी वट वृक्ष के नीचे उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं। यहाँ पे प्रसादी का बहुत विशेष फल है, कान्हा जी ने स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़े भी मांग के पाए हैं।
तभी तो शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया है और कहा है जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी तो ठाकुर जी की कृपा तो बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम हमें ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें ठाकुर जी की कृपा हो सकती है। जब उन्होंने ब्रजवासियों से मधुकरी मांगी थी तो एक उपदेश दिया था, कहा था देखो आप मेरा हृदय हो और मैं पार ब्रह्म परमेश्वर था, इसीलिए मैंने 9 लाख गायों का परिचालन किया, आप ब्रजवासी हैं, आप गौ माता की सेवा करो। जो मेरा परम हृदय परम स्नेही जो मेरी गौ माता है वो सक्षम नहीं है, आप सक्षम हो, आप अपना परिचालन खुद से कर सकते हो, लेकिन जो मेरी गौ माता है वो सक्षम नहीं है। जो मैं मधुकरी ले रहा हूँ ना, मैं दान दे रहा हूँ सिर्फ गौ माता के लिए, इस दान से उन गौ माता का परिचालन करो। तो यहाँ पे जो भी जैसे भक्त आपने देखा होगा प्रसाद लेते हैं तो वो गौ माता के लिए दान दे के जा रहे थे, उनके लिए बताया गया था। और इधर आपने विवाह स्थल वगैरह के दर्शन कर लिए होंगे जी प्रभु जी, ठीक है। श्री राधे 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 राधे। किसी को कुए वाला दर्शन करना हो या भांडी में दान से जुड़ना हो तो नंबर भी नोट कर सकते हैं।